हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ एक्सपेरिमेंट टेक्स्ट विद शेप टूल इफेक्ट सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखनी रहेगी, तो हम टूल बॉक्स में से जाके ए टूल लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं कोरल। अभी हमें इसकी साइज चेंज करने के लिए टूल बॉक्स में से एरो टूल लेना रहेगा और हम उसको ड्रैग करके साइज बड़ी करेंगे। अगर हमें इसमें कलर फिल करना है तो आपको यहाँ पे कलर बॉक्स दिया है, जो भी कलर फिल करना है क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी कलर सिलेक्ट कर रहे हैं सारे वर्डिंग पे सेम कलर आ रहे हैं। अगर हमें इंडिविजुअल कलर सेट करना है तो हम टूल बॉक्स में से शेप टूल लेंगे और आप देख सकते हो हर एक वर्ड के नीचे एक नोट दिया गया है। अगर हमें इंडिविजुअल कलर सेट करना है तो हमें नोट सिलेक्ट करना रहेगा और उस वर्ड के लिए कलर सिलेक्ट करेंगे हम कलर बॉक्स में से। आप देख सकते हो कलर अप्लाई हो गया। अगेन हम सेकंड नोड सिलेक्ट करेंगे और सेकंड कलर सिलेक्ट करेंगे, वो नोड उसमें कलर सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो जैसे मैं नोड सिलेक्ट कर रही हूँ और कलर पे क्लिक कर रही हूँ, इंडिविजुअल वर्ड पे कलर आ रहा है। उसके बाद है आपको यहाँ पे दो एरोस दिए हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में। आप क्लिक कर रहे हो तो आपको प्लस का एरो दिखा रहा है, जिस पे आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो वर्डिंग के बीच की स्पेस दिखा रहा है। जितनी आपको स्पेस करनी है आप स्पेस कर सकते हो। अगर डिक्रीज करनी है स्पेस तो आप डिक्रीज भी कर सकते हो, एकदम कंबाइन वर्ड आएंगे। और अलग अलग करने हैं तो आप उसको स्ट्रेच भी करके अलग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको स्क्यू करना है तो उस पर क्लिक करके आप इस तरह से टर्न कर सकते हो, स्क्यू करना है तो स्क्यू भी कर सकते हो। इस तरह से एरो दिख रहा है, आपको जिस जगह पे स्क्यू करना है स्क्यू कर सकते हो, जैसे आपको सेट करना है कर सकते हो। इस तरह से हम टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आपको टर्न करना है तो आप टर्न भी कर सकते हो, आपको राउंडेड कॉर्नर दिए वहाँ से। थैंक यू।